मलाइका अरोड़ा अपने फादर के निधन से सदमे में है और उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और मलाइका के बेहद बुरे वक्त में अर्जुन कपूर उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका एक नज़ारा सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें अर्जुन को मलाइका के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में मलाइका उनके पेरेंट्स के घर से एग्जिट करते हुए नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर अपने डियर डैड को खोने का दुख साफ झलक रहा है। मलाइका की नम आंखें भी दर्द बयां कर रही हैं। मलाइका डीप पेन में और शॉक में हैं और ऐसे में ना सिर्फ मलाइका की बेस्टीज और उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स उनके इस दुख में शामिल हुए बल्कि अर्जुन भी मलाइका के गम में साथ खड़े हुए। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे घर से बाहर आते हुए अर्जुन मलाइका अरोड़ा के पीछे ही हैं। ही देन एस्कॉर्टेड मलाइका टू हर कार और इस दौरान मलाइका अपने सन अरहान खान के साथ बैठी थी। इसके बाद अर्जुन ने करिश्मा और करीना को भी उनकी कार तक पहुंचाने में हेल्प की। आपको बता दें मलाइका के फादर अनिल मेहता ने रिपोर्टेडली वेडनेसडे 11 सितंबर की मॉर्निंग सुसाइड कमिट की थी बाय जंपिंग ऑफ फ्रॉम द 6th फ्लोर बालकनी ऑफ हिज रेजिडेंस इन बांद्रा। वहीं जब ये घटना घटी तो अनिल मेहता की वाइफ जॉयस पॉलीकार्प उनके फ्लैट में थी जो आयशा मनोर बांद्रा में स्थित है। फिलहाल पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और मलाइका ने अपनी पूरी फैमिली की तरफ से अनिल मेहता के ट्रेजिक डेथ और प्रोफाउंड ग्रीफ पर इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट रिलीज करके लिखा है, वी आर डीपली सैडन टू अनाउंस द पासिंग ऑफ आवर डियर फादर अनिल मेहता। ही वाज अ जेंटल सोल, अ डिवोटेड ग्रैंडफादर, अ लविंग हस्बैंड एंड आवर बेस्ट फ्रेंड। आवर फैमिली इज इन डीप शॉक ओवर दिस लॉस एंड वी काइंडली रिक्वेस्ट प्राइवेसी फ्रॉम द मीडिया एंड वेल विशर्स ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। वी अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। वी विश मलाइका अरोड़ा इस मुश्किल घड़ी का सामना पूरी हिम्मत के साथ करें और अपनी फैमिली को भी कंसोल करें। करीना कपूर खान ने लास्ट मोमेंट पर अपना एक प्रमोशनल इवेंट कर दिया कैंसिल। क्या करीना के ऐसा करने की वजह उनकी BFF मलाइका अरोड़ा है? मलाइका जो अपने फादर के निधन के बाद से डीप शॉक में है, क्या उन्हें संभालने के लिए बेबो ने अपने इवेंट को किया है पोस्टपोन? वेल, तो ये बात सब जानते हैं कि करीना मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के बहुत क्लोज हैं। और अब जब मलाइका की लाइफ में इतना बड़ा दुख आया है तो करीना कैसे अपनी बेस्टीज को अकेला छोड़ सकती हैं? करीना अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं। करीना ने अपने वर्क कमिटमेंट्स को भी होल्ड पर डाल दिया है। रिपोर्टेडली करीना ने मुंबई में अपना एक इवेंट कैंसिल कर दिया जो थर्सडे को स्केड्यूल था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स करीना इस इवेंट की स्पेशल गेस्ट थी लेकिन अब ये इवेंट पोस्टपोन हो गया है। दरअसल करीना कपूर द बकिंगम मर्डर्स के प्रमोशंस में जुटी थी पर जैसे ही उन्होंने मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के फादर के अनटाइमली डिमाइस की ट्रेजिक न्यूज सुनी, उन्होंने अपना सारा काम छोड़ अपनी बेस्टीज को सपोर्ट करने का फैसला किया और सैफ के साथ अनिल मेहता के डेथ के तुरंत बाद उनके रेजिडेंस पर पहुंची। वेल, हम सब जानते हैं कि करीना, करिश्मा, मलाइका और अमृता फेमस बॉलीवुड BFFs हैं। इन सभी को अक्सर एक साथ पार्टी करते हुए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा जाता है और अब दुख की इस घड़ी में ये चारों एक साथ हैं। बता दें मलाइका अमृता के फादर अनिल मेहता ने सुसाइड कमिट की है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मलाइका पुणे में थी लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर मिली वो फौरन मुंबई लौट आई, जबकि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। करीना हर तरह से मलाइका और अमृता के साथ खड़ी हैं। वेल, मलाइका और अमृता के लिए करीना की ये डेडिकेशन और सिंसियरिटी वाकई काबिले तारीफ है।
एक्सक्लूसिवली ऑन जूम राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी और अर्चना पूरन सिंह ने शेयर किया एक्साइटमेंट अपनी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को लेकर। Great, of course, it's awesome. And the comedy is very tough, but it went, you get it right, it just blasts. I think Vicky Vidya is that film. You're going to have a lot of fun watching this film. It's very, very funny. I love working with both the Raj Chandelier and Rajkumar and Tripti. It's been a great trip. Well, finally, this film ka trailer ho gaya hai release. And we have to say, ye film hone wali hai ek laughter riot. राजकुमार राव एक बार फिर से अपने कॉमेडी के पावर को पूरी तरह फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं और उनके साथ एक्टर विजय राज और बाकी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग फिल्म के ट्रेलर को बनाती है सुपर हिट। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पूरी टीम ने मीडिया के साथ इंटरैक्ट किया और यहां तृप्ति डिमरी ने बताया कैसे इन सभी स्टार्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा अमेजिंग और राजकुमार राव के साथ काम करने पर उन्होंने दिया एक विटी आंसर। मतलब बिल्कुल जितना आपने सोचा नहीं उतनी पारिवारिक फिल्म है ये और काफी मजा आया। जैसा राज ने बताया हमें शूट करते वक्त जब मैंने नरेशन सुनी थी सर से मैं भी हंस हंस के गिर गई थी और हमारी कास्ट इतनी अमेजिंग है, एक फैमिली की तरह थे हम सभी। हम ना एक हमारा एक होल्डिंग एरिया हुआ करता था तो जैसे ही ब्रेक मिलता था ना हम लोग सब वहाँ जाके बहुत गॉसिप करते थे, बहुत, और बहुत हंसते थे। अर्चना मैम इतनी कहानियाँ सुनाती थी हमें और बहुत मजा आता था। नहीं 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 वो सब नहीं बताऊंगी। और इतना कुछ था मेरे लिए सीखने के लिए क्योंकि मैं इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रही थी तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिला। रात से काफी कुछ सीखने को मिला, ये मुझे बोलने के लिए बोला गया था। बट काफी ज्यादा मजा आया। हम लोग रोज सेट पे, बस कितनी बार ऐसा होता था ना कि हम सीन कर रहे हैं और सीन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि हंसी नहीं रुक रही है। रात सीन कर रहे हैं और मैं हंसे जा रही हूँ, कट 10-15 टेक्स लेने पड़े क्योंकि वो सीन ही कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है। बट काफी ज्यादा मजा आया यार और आई होप ऑडियंस को देख के उससे भी ज्यादा मजा आएगा। जूम के पूछे जाने पर फिल्म के डायरेक्टर राज चांडिलिया ने मल्लिका शेरावत को फिल्म में कास्ट किए जाने पर भी किया रिएक्ट। मिडिल क्लास फैमिली की फिल्म बनाई है, उसमें जितना हो सकता था मैंने ये यूज किया है। राजकुमार, मल्लिका, यू नो शाह, बड़े बड़े नाम, यू नो, ताकि फिल्म अमीर थोड़ी सी। तो मल्लिका को लाने का रीजन ये था कि ये जो किरदार में लिखा है ये मल्लिका पे बहुत सूट करता है। उन्होंने क्योंकि जिस किस्म का ये किरदार है उस वक्त की मॉडर्न लड़की जिस किस्म की होती थी वो मल्लिका के ऊपर बहुत तरीके से आया, इसलिए उनको कास्ट किया है। अदरवाइज मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई पारिवारिक फिल्म 97% पारिवारिक है, 3% महापारिवारिक है, ये जो महापारिवारिक है मैंने मल्लिका के चक्कर में डाला है। वेल, इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह का रिस्पांस मिला है इट सीम्स बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 के बाद राजकुमार राव देने वाले हैं बैक टू बैक हिट्स। फिल्म हाउसफुल 5 के मेल लीड्स को लेकर तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुकी है लेकिन फीमेल लीड्स को लेकर स्पेकुलेशंस चल रही थी और अब रिपोर्ट्स की माने तो 5 एक्ट्रेसेस को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया है और वो है जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाखरी, सोनम बाजवा, चित्रांगदा सिंह और सौंदर्या शर्मा। आपको बता दें हाउसफुल 5 की टीम लंदन में 15 सितंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रही है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फाइनली सलमान खान के साथ फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू कर रही है और उन्होंने फिल्म के सेट से अपने फर्स्ट डे की पिक्चर को शेयर किया और बताया किस तरह फ्लावर्स और स्वीट्स के साथ टीम ने उनका वेलकम किया। एक्टर रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर कुछ अडोरेबल पिक्चर्स शेयर किया है जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ गणपति बाप्पा के विसर्जन में शामिल होते हुए दिख रही हैं। पिक्चर्स में रणबीर कपूर के हाथों में गणपति नजर आ रहे हैं। इन पिक्चर्स को नीतू कपूर ने कैप्शन दिया है पुरुषा वर्षी लव करिया। हाल ही में जैसे ही न्यूज आई कि एक्टर वीरदास इस साल इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट करने जा रहे हैं पूरा बॉलीवुड उनके इस खास अचीवमेंट के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर कॉन्ग्रेचुलेट करते दिखा। ऋतिक रोशन से लेकर आलिया भट्ट, कृति सैनन, आयुष्मान खुराना और जोया अख्तर जैसी सेलिब्रिटीज ने वीर को कॉन्ग्रेचुलेट किया। हार्दिक पांड्या से डिवोर्स के बाद एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक मूव ऑन कर चुकी है। पहले वो कुछ वक्त के लिए अपने होम कंट्री सर्बिया गई और फिर वो मुंबई लौट आई है। हाल ही में नताशा को अपने BFF अलेक्जेंडर इलाक के साथ स्पॉट किया गया और नताशा के चेहरे पर थी बिग स्माइल। आपको बता दे अलेक्जेंडर एक्ट्रेस दिशा पटानी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड है।